दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता कमलेश मौर्य के बैंक अकाउंट में 9,99,999 के आने के बाद उनके अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक विश्वविद्यालय ब्रांच के बैंक अकाउंट होल्डर कमलेश मौर्य के खाते में 9,99,999 रुपए आने के बाद उनके होश उड़ गए। उनके मोबाइल पर मेल पर मैसेज आया कि उनका खाता होल्ड कर दिया गया है। इसके बाद जब उन्होंने बैंक मैनेजर से बात की तो उन्होंने बताया कि आपका अकाउंट होल्ड कर दिया गया है, जांच के बाद उसे फिर चालू कर दिया जाएगा। जबकि इस संबंध में बैंक मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि साइबर ब्रांच के अनुरोध पर अकाउंट को होल्ड किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता कमलेश मौर्य ने कहा, कहीं से पैसा आया होगा, मैसेज आया कि अकाउंट होल्ड कर दिया गया है, 1 रुपये कम 10 करोड़। 26 तारीख को SBI में आया था, SBI से मैसेज आया कि अकाउंट होल्ड कर दिया गया है और साइबर सेल मिल गया है। मैसेज आपको ईमेल आया किस भाषा में, आपने हिंदी में किया? इंग्लिश में आया। इस तरह कोई जानकारी नहीं है? कहाँ से आया, कैसे आया, हमें नहीं जानकारी है। बैंक का काम है अपना जांच करे, जैसे साइबर ब्रांच में जांच करें। अब लिखा है, अब कैसे कर रहे हैं लोग, उनका काम है, हमारा कोई काम नहीं।